हे गाइज, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। तो कैसे हो आप सभी लोग? अभी सुबह के 6:50 हुए हैं। अभी 6:49 में मैंने वीडियो शुरू किया था। मैं सोच रहा था कि 6:50 हो जाए तभी वीडियो बनाने में मज़ा आए, 49 थोड़ा ठीक नहीं लगता। अभी हमारे दोनों बैग रेडी हो गए हैं। पानी की बोतल को ना अलग से बैग में अंदर डालना पड़ेगा, बोतल का निकलने का डर रहता है इसमें से। हमारी ट्रेन है अभी 7:20 पर, तो अभी 30 शेष हैं। रेलवे स्टेशन यहाँ से कितना दूर पड़ जाएगा ब्रो? 1 किलोमीटर पैदल पैदल निकल जाएंगे, 10 में पहुंच जाएंगे। अभी मैं अपनी टूथब्रश भूलने वाला था, लेकिन इधर आया तो मुझे दिख गई। और इससे पहले कई जगह मैं अपने टूथब्रश को भूल चुका हूँ। चाबी भूल जाओ, कौन सी चाबी बैठेगी हमें? खुल को भाई साहब, मौज कर दी। सुबह सुबह घर से नहा धो के रेडी होके आते हैं, उसके बाद मार्केट में निकलते हैं। धूल मिट्टी उड़ती है सुबह सुबह ही, कपड़े खराब, चेहरा खराब एकदम। इसलिए मैंने गमछा डाल लिया अभी से ही, और इसको ऐसे करके बुरखा बन गया ना एकदम। इससे लग रहे हो, इससे चेहरे धूल मिट्टी बनाई गई है, बालों में भी धूल मिट्टी ना भरी। अच्छी लगे ले लो, एक पैकेट ले लो। बिस्किट ना आएगा? हाँ बिल्कुल है। वहाँ से कॉफ़ी लिए, यहाँ से नमकीन बिस्किट ले रहे हैं। कौन सा बिस्किट लगा? ये कौन सा है देखियो, आगरा का पेठा बहुत फेमस है, तो यहाँ पे हर जगह आपको पेठा देखने को मिल जाएगा। देखिए 1, 2, 3, 4, 5 तरह का पेठा अंकल जी के पास। अंकल जी क्या रेट है पेठा की? 100 रुपये का 1 किलो। अच्छा, और ये 90 का है। इसमें तो काजू भी है? आ, काजू है, क्या बात है। अच्छा, ये आधी किलो का है? 90 का। ये सब आधी आधी किलो का? 1 किलो का है। 1 किलो है 100 का, वो आधी किलो 90 का है। अच्छा, सबसे बढ़िया कौन सा इसमें? ये सबसे बढ़िया है, अंगूरी वाला। अंगूरी वाला ये कितने रुपए किलो है? 90 का आधी किलो है। आज का नाश्ता सुबह 7:30 भाई साहब पहले इनके लिए नाश्ता दे। मेरा कल वाला ब्लॉग अभी तक एडिट नहीं हुआ है, 7:30 सुपर टाइम हो गया ना, तो अभी करीब 1 घंटे से ज़्यादा लग जाएगा एडिट करने में। और मुझे लगता है आज शायद वीडियो 9 मुश्किल आ पाएगी, हो सकता है 9:30 या 10 जाएँ, क्योंकि वीडियो एडिट होगी, फिर एक्सपोर्ट होगी, उसके बाद फिर अपलोड होगी यूट्यूब पे, उसके बाद आपको देखने को मिलेगी। क्यों, क्या बोलती है इंडिया की पब्लिक? भाई साहब ऐसा भी हो सकता है हम ट्रेन में सफ़र करें और नेटवर्क ना आ जाए। ऐसा तो होता ही है, मतलब ट्रेन में नेटवर्क कहाँ? तुम तो टावर वाले हो यार, तुम्हें तो मालूम है ना नेट ट्रेन में नेटवर्क कहाँ से आएगा? तो अपलोड फिर कैसे होगी? होता अपलोड करेंगे कुछ ना कुछ जुगाड़ भाई, अगर यहाँ हो गए तो ठीक, नहीं तो दिल्ली जाके करेंगे। दिल्ली तो राजधानी क्षेत्र है। और भाई साहब बात होगी, एक बात और बता दें, पब्लिक सोच रही हो कि स्टेशन पर बैठे मास्क नहीं लगाए, तो दो ही बैठे हम, पीछे पब्लिक है नहीं। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, हम भी दोनों दूरी बना के बैठे, देखो बीच में एक जगह खाली है। अनाउंसमेंट हो रहा है हमारी गाड़ी का, सुनो 9:05 ट्रेन आ गई। हमारा डिब्बा कहाँ आएगा पता नहीं, आगे गया फिर पीछे है। D2 आखिरकार हम पहुँच गए, सीट है हमारी दूर दूर भी, यहाँ की विंडो सीट अवन भाई की दूसरी साइड में, उधर पीछे वाले रहो। बिल्कुल उधर है वो, पीछे जाके उस पर भी लेडीज बैठी, हम कह नहीं हटाए तो ठीक रहे। चलो तुम यहाँ बैठ जाओ ये सीट पे, मैं यहाँ बैठ लूँ। अभी 10:50 हुए हैं। आगरा से जब हमने गाड़ी पकड़ी थी तो गाड़ी उस समय आधा घंटा लेट थी, और यहाँ गाड़ी के पहुँचने का टाइम है 11:10, मतलब गाड़ी यहाँ पे 20 पहले ही आ गई स्टेशन पे, और वहाँ से चले थे तो आधा घंटा लेट थी। गजब है, गजब कॉम्बिनेशन। क्यों भाई, रेलवे का सिस्टम भी क्या है, वहाँ लेट से थी, यहाँ 20 पहले आ गई। वैसे ना गाड़ी किसी भी स्टेशन पर टाइम से पहले पहुँच तो जाती है, लेकिन रवाना उचित समय से होती है। लेकिन ये तो इसका लास्ट स्टॉपेज है, अब यहाँ से आगे तो इसको जाना भी नहीं है। अब आधा घंटा पहले आ जाए या फिर 1 घंटा पहले आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, यात्रियों के लिए सुविधा भी हो जाती है। स्टेशन परिसर से हम इधर साइड में निकले हैं, इधर साइड में मुझे लगता है अधिकतर ऑटो टैक्सी ही मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर दुनिया भर के ऑटो टैक्सी खड़े हैं। यहाँ बस का मुझे कोई
हिसाब किताब नहीं दिख रहा, शायद वहाँ से आगे वो चौराया है एक, यार वहाँ बस खड़ी है एक। हाँ ऑटो ना चाहिए यार। हाँ हाँ यार आगरा में है, सही कह रहे हो, आगरा में थोड़ी सर्दी सी और यहाँ आते ही गर्मी शुरू हो गई। एक भाई साहब बता रहे कि यही बस जाएगी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, पकड़ते हैं जल्दी से। अभी हम पालिका शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के पास में, बाहर मार्केट लगा हुआ है और इधर साइड में जाएंगे तो वहाँ पे भी एक अलग से बाजार लगा हुआ है। हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से हम जैसे बस में बैठे थे उस बस का नंबर था 181A, यानी कि 181A। उस बस वाले ने भैया ने हमें यहाँ उतार दिया कि आप यहाँ उतर जाओ रेलवे स्टेशन वाले। तो हम यहाँ इधर उधर घूम रहे, रेलवे स्टेशन हमें यहाँ पर मिला नहीं। पीछे नींबू पानी वाले भैया मिले थे, हमने कहा चलो नींबू पानी तो पी रहे थे, उनसे हमने पूछा कि रेलवे स्टेशन कहाँ है, तो उन्होंने कहा आप यहाँ से बस से 181A नंबर की बस पकड़िए, वो आपको ले जाएगी रेलवे स्टेशन। अब बताइए ये गलत है ना करना, हम जो 181 में बैठ के आए थे उसने यहाँ उतार, यहाँ से फिर दोबारा उसी बस में बैठ के हमें न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुँच गया। हाँ गई, देखो फिर वो ही आगे 181 वो पकड़े, वो बस पकड़ लेते हैं। इसके नीचे से निकलना है रेलवे स्टेशन जाने के लिए, घड़ी लगी है यहाँ पे तो, लेकिन घड़ी सही चल रही है कि 12:15 हैं, 12:15 और सही चल रही है एकदम भाई साहब, मेरे फोन में इतना ही टाइम। हिंदुस्तान की राजधानी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हमारा स्वागत है। अभिन भाई हमारा स्वागत, हम खुद ही कर लें और फोन करने वाला है। अबे भाई ये पंखा आसमान में है, देखो ऊपर आसमान है। तो फाइनली भी ट्रेन के आने से एक घंटे पहले हम यहाँ पे पहुँच गए, ट्रेन आएगी हमारी 1:50 पर। आएगी कहाँ, मुझे समझता यहीं से बन के चलेगी शायद, ना नई दिल्ली से हमारा सर है वो गाड़ी, तो एक नंबर पे तो बैठे हम तो यहीं से बन के चलेगी ऐसा लग रहा है मुझे तो। और यहाँ पे बैठते ही ना एक मामला ख़राब हो गया, ये पीछे देख रहे हो आप, यहाँ पे अभी कलर हुआ है और ये कलर मेरे हाथ में लग गया, मैं यहाँ पे ऐसे अंगड़ाई ले रहा मजे से और मैंने यहाँ पे ऐसे हाथ रखा। हमने पूछा और भाई क्या हाल चाल है, तो इसने हाल चाल देखो ये बता दिया। अभी इसको हाथ लगाते हैं यहाँ पे, हाँ वो पेंट कर रहे हैं, हमें पता नहीं था कि यहाँ पे भी कर दिया। अच्छा वो उतार देगा पेंट, हाँ वो होगा ना उसके बाद उतारने वाला पेंट। हाँ यार वो पेंट कर रहे हैं ना इसको, वो शायद इसको छुड़ा देंगे। मैं इसको हाथ लगा रहा हूँ तो हाथ से तो छूट नहीं रहा, और कपड़े के लगा रहा हूँ तो कपड़े में लग रहा है। इधर ही चलेंगे बात, तो ये पेंट छुड़वा के आते हैं, अगर छूट गया तो उसके बाद फिर कुछ खाते हैं यार, खाया ही नहीं आज कुछ, फिर चले जा रहे हैं चले जा रहे हैं। जो भाई साहब अभी पेंट कर रहे थे ना उनको मैंने थोड़ी देर पहले इधर देखा था, यहाँ पे नहीं मिले, थोड़ा आगे आया हूँ मैं तो यहाँ पे जितनी भी कुर्सियाँ देख रहे हो ना आप सभी पे पेंट हुआ है एकदम अभी ताज़ा, लेकिन यहाँ पे पट्टी लगा रखी है, इस पे इंग्लिश में और हिंदी दोनों लैंग्वेज लिखा हुआ है डेंजर खतरा, तो इन पे कोई नहीं बैठ रहा है अभी। लेकिन जिस चेयर पे हम बैठे थे उस चेयर पे मात्र जो ये पीछे वाले खुट्टे हैं ना इन पे ही हुआ था कलर, बाकी जो रेड कलर है ना ये वाला कलर नहीं हुआ था। अगर उस कुर्सी पे ये वाला कलर भी होता ना तो हमारा लोवर टी शर्ट सब एकदम खराब हो जाते। अब कलर वाले भैया मिल नहीं रहे यार, पता नहीं कहाँ गए, अब कहाँ ढूंढे उनको, मिल जाएंगे तो थोड़ा सा ये ठीक रहेगा, छूट जाएगा नहीं तो अपने आप तो छूटेगा ही 2 दिन में। तो अभी हमने भारतीय रेल का एक खाना लिया 15 रुपये में, और ये थोड़ा महंगा पड़ गया, इसमें है राजमा और इसमें चावल, इसकी अनबॉक्सिंग करो। इसमें आलू की भाजी और पूड़ी कितनी है, 2, 3, 4, 5, 6 पूड़ी है इसमें। बड़ी मुश्किल से हमें अपना कोच मिला है, और इस पर भी देखिए कैसे लिखा है D9, ये कुछ तरीका है। चलो भाई अंदर 15-16 नंबर की सीट पर कब्जा कर लो।
अभी हम सहारनपुर जंक्शन पर हैं, शाम के ठीक 6 बजे हैं। गाड़ी के यहाँ पहुँचने का टाइम है 6:20, लेकिन टाइम से 20 मिनट पहले आ गई। अभी ये चलेगी यहाँ से 6:35 पर, तो अभी 35 मिनट यहीं खड़ी रहेगी, तब तक हम आराम से वीडियो शूट कर लेते हैं। और जहाँ तक मेरा विचार है, सहारनपुर अभी उत्तर प्रदेश का लास्ट जंक्शन है, यहाँ से आकर हरियाणा लग जाएगा। सहारनपुर से क्या नाश्ता लिए भाई? सहारनपुर में ये मिला भाई का जी, क्या है दिखाओ, पकौड़ा कैसे हैं यार? ये वाला पकौड़ा है, इसके अंदर आलू। अरे गर्म है भाई साहब, इनको लेकिन पकौड़ा नहीं बोलते हैं, बता रहा हूँ मैं आपको। पकौड़ा खा रहा था इनको, वैसे कोफ्ते बोलते हैं हमारे वहाँ। कितने के दिए ये? दिए 30 के 4 पीस। और चाय कितने के दी? चाय 20 रुपए की चाय, तो कहीं पे भी चले जाओ मेरे साथ, 10 की। रेलगाड़ी ने अपने निर्धारित समय से 20 मिनट पहले हमें लुधियाना जंक्शन पहुंचा दिया है। लुधियाना पंजाबी, हिंदी और इंग्लिश तीनों लैंग्वेज लिखा हुआ है। जिस भी स्टेट में जाते हैं वहाँ पे उस स्टेट की लैंग्वेज में ज़रूर लिखा होता है। चलो तो अब कुछ जुगाड़ देखते हैं ठहरने का। टाइम हुआ है रात के 10:22। ग्यारह बज गए, हमको अभी तक खाना नहीं खाया है, अब चलेंगे खाना खाने। आओ इसके लॉक खोले बाहर से, ये लगा के ना अंदर से ये भी बंद कर देना। ओके आते हैं हम अभी जल्दी से खाना खा के ना। अंकल जी आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कमरा दिला दिया, अभी हमें खाना भी खिलवाएंगे आप। यार पता क्या टाइम हो गया है ना, नहीं तो बहुत ज्यादा रहने का। नहीं ये भी सही है, अब जो मिल गया, अब रात के 11 बजे ये मिल गया, ये भी हमारे लिए काफी है, नहीं तो ऐसे कोई दिक्कत आई तो कल हम चेंज कर लेंगे। आज काटो कल फिर देख लेना अपना दिन में। तो नजदीक है कोई खाना खाने का रेस्टोरेंट वगैरह? आओ बैठो अभी इधर यार, इधर कोई हो आसपास? अच्छा ये कौन सी जगह जहाँ पे अभी हम है? परोठे मिलेगा। हाँ जी परोठे ही खा लेंगे क्या? अंकल ये कौन सी जगह जहाँ पे अभी हम है? ये तो चौड़ा बाजार। ये चौड़ा बाजार है क्यों? परोठे मिलेंगे इधर। अच्छा ये मेन इधर से जाके रोड ऐसे गया है, मेन बाजार है लुधियाना। अच्छा सबसे बड़ा कपड़ों का बाजार यही मेन। तो क्या पराठे, आलू पराठे, गोभी पराठे, प्याज और पता नहीं क्या? हमने गोभी वाला पराठा लिया है। कितने का बताना था ये? 50 रुपए का पराठा, साथ में इनका अलग लगेगा जो भी है। शुरू करते हैं। पंडित जी दे पराठे, पंडित जी दी हट्टी। बहुत, अरे गाड़ी आ गई, इधर खड़े जाते हैं हम यहाँ आराम से। तो पंडित जी के पराठे बहुत फेमस हैं, हमने भी यहाँ पे खाए, बड़ा स्वाद आया, एकदम बढ़िया है क्वालिटी। साथ में एक लिमका की बोतल भी ले ली है, पर ये इन्होंने थोड़ा गलत कर दिया यार। एक मिनट लाइट जला लेता हूँ, जल जा। देखिए इस पे जो प्रिंट है वो आप देख सकते हैं 20 रुपये, लेकिन उन्होंने यहाँ पे 25 रुपये लगाया यार, ये मुझे थोड़ा ठीक नहीं लगा। अरे हमारे यार अविन भाई कहाँ रह गए, आ तो रहे भाई। सारा काम सेटल हो गया है, 11:30 बज गए हैं। रूम हमने एक धर्मशाला में लिया है, रूम काफ़ी छोटा है। अरे बिलर ना हो तो, रूम हमें मिला है एक नाइट के लिए 400 रुपये में। बाकी कल दिन में चेंज कर लेंगे अगर ऐसा लगा कि करना चाहिए तो। बाकी सब ठीक है। यहाँ रुके हैं अभी हम, गुरु छाया यात्री निवास। हमारा सारा काम सेट हो गया, मैं आपको एक बार रूम दिखा देता हूँ। पंखा चल रहा था तब से हमने बंद कर दिया, नहीं तो आवाज़ में सरसराहट आती। तो इस प्रकार का हमारा रूम है, डबल बेड हैं, डबल हमारे बैग हैं, डबल तकिया हैं, लेकिन चादर मुझे लगता है शायद यहाँ पर नहीं है। बस स्पेस इसमें बहुत कम है, रात ही तो गुजार नहीं है, फिर देख लेंगे जो कुछ करना हो। बाकी इधर अगर आपको कोई फिल्म विल्म देखनी हो तो यहाँ पे LED लगी है, आराम से फिल्म देख सकते। सोना है, सोना है, लो जी
साढ़े ग्यारह से ऊपर टाइम हो गया, अब बिस्तर फटकारो और फटकार के सो।